गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप सो इस ठंड के मौसम में आप सभी अच्छे होंगे। एंड गाइस, ठंड बढ़ रही है बहुत ज्यादा। सबसे पहले आपको ठंड से बचाव करना है, प्री का एग्जाम आपके बहुत नजदीक आ रहा है। होप सो उसकी भी तैयारी आपकी अच्छी ही होगी। बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले कि आप उस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। एंड आज मैं आपके सामने फिर कुछ टाइम बाद एक वीडियो लेकर, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक का आपका एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, उसी एग्जाम की पूरी की पूरा एनालिसिस है इसके अंदर। देखो, एग्जाम बहुत ही इजी था, लेकिन वही बात, सारे के सारे क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जो कि एग्जाम में हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी एग्जाम था, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर, इजी एग्जाम होने के बावजूद भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाए, क्योंकि हमने सोचा था कि इतने इजी थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, एग्जाम है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका कहना कि इसमें यही आएगा, ये आएगा, ये कोई कंपल्सन नहीं है, बिकॉज आईबीपीएस जो है वो एग्जाम प्रिपेयर करता है और आईबीपीएस कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एग्जाम एनालिसिस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एग्रीमेंटर्स फैमिली से एक पर्सन जो कि अभी एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में सिलेक्ट हुआ है, मिस्टर अमन। अमन, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड आपके माता पिता को भी आपके ऊपर बहुत गर्व होगा कि आपने सिलेक्शन अपने मेहनत के दम पर, कम से कम एक एग्जाम जो है बार बार, आपके पिछली बार भी आप इंटरव्यू के अंदर रह चुके थे IBPS-AFO में। होप सो वही बात है कि आप लगातार अगर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हो ना, तो कहते हैं कि भगवान नहीं, कहीं भी अगर आप रहते हो, कुछ लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हो तो आपको मिलता ही है। ठीक है, पूरी की पूरी कायनात जो है उस चीज को, अगर आप जिस चीज को चाहते हो तो पूरी की पूरी कायनात उस चीज को आपको दिलाने में लग जाती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मेहनत अच्छी करिए, और किसी भी चीज को चाहते हो तो पूरे दिल से चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम के एनालिसिस को। पंजाब एंड सिंध बैंक का जो एग्जाम हुआ था आपका, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें पूरा का पूरा एनालिसिस आपको दे दूं, लेकिन वही बात है कि इसमें पूरा का पूरा एनालिसिस कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। जितने भी क्वेश्चंस मुझसे हो पाए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगा उनकी, लेकिन फिर भी 50 के 50 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं जितने क्वेश्चंस हो सके उतने एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सभी का क्या कहते हैं, जो उनके ऑप्शंस थे वो एग्जैक्ट नहीं है। जितने भी ऑप्शंस एग्जैक्ट मेरे को मिले मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिनके ऑप्शंस नहीं मिले उनको विदाउट ऑप्शन ही आपको प्रोवाइड करवाया है मैंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय, कि एमएसपी जो अनाउंस किया जाता है वो किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शंस कुछ भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएसीपी, नाबार्ड, प्लानिंग कमीशन, एफसीआई, अब आप खुद सोचिए कि इसके अंदर कौन जो है एमएसपी, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको अनाउंस करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएसपी है क्या। एमएसपी क्या होता है, एक मार्केट इंटरवेंशन जो आपका होता है, एक प्रकार की मार्केट इंटरवेंशन होती है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो आप प्रोड्यूस करते हो, जो भी आप क्रॉप को प्रोड्यूस करते हो, उस क्रॉप के सोइंग से पहले आपको एक प्राइस प्रोवाइड करवाती है, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इसके लिए आपकी एक कमेटी है या एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसकी रिकमेंडेशन होती है, जो कि रिकमेंड करता है एमएसपी को। ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या है, सीएसीपी। लेकिन उसके बाद जो आपका एमएसपी अनाउंस किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर भी यहां पर एक क्वेश्चन और उठ के आपके सामने आता है कि अगर आपका वहां पर दिया हो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर और सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम वहां पर ना हो, उस समय आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल जो सॉरी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होगा वो उसका आंसर होगा वहां पर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आंसर में नहीं दिया हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है रिसेंटली, जिसका जिसके हेड जो है, जिसके चेयरपर्सन जो है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। रिसेंटली आपके नरेंद्र सिंह जी मोदी हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखो कि
एमएसपी अनाउंस कौन कर रहा है और एमएसपी रिकमेंड कौन कर रहा है। अगर रिकमेंड करने की बात आएगी तो सीएसीपी आएगा, और अगर अनाउंस करने की बात आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा या आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर आएगा। सो गाइस, इसका आंसर आपका क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था यूरिया बैग साइज अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का जो बैग है वो रिसेंटली उसका साइज क्या है, पहले क्या होता था और अभी क्या है। तो देखो, पहले आपका होता था 50 किलोग्राम, इसके ऊपर यहां पर भी लिखा हुआ है 50 केजी, लेकिन रिसेंटली जो आपका यूरिया का बैग आता है वो आपका 45 केजी का आता है। अभी क्या हुआ कि इसको बैग का साइज जो है वो छोटा कर दिया गया, क्योंकि किसान क्या करते थे, वो बैग के हिसाब से यूरिया का एक बैग, दो बैग, तीन बैग, इस प्रकार से वहां पर क्या करते थे, अपने खेतों के अंदर डाल देते थे। ठीक है, उनको वेट से मतलब नहीं होता था, वो एक बैग को देखकर कि एक बैग डालना है, दो बैग डालने हैं, तीन बैग डालने हैं, उस प्रकार से आपके खेतों के अंदर जो है खाद डालते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी थी वो कम होती जा रही थी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट जो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जनरेट होने चाहिए वो उसकी फर्टिलिटी जो कम होती जा रही थी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाया गया और आपका यूरिया का जो बैग का साइज है वो आपका 5 किलोग्राम घटाकर कम करके आपका 45 केजी कर दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इरोजन इन विच स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड इन द फील्ड इज कॉल्ड एज। अगर इसका आंसर होगा तो यहां पर दो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि इसका आंसर हम क्या करेंगे। एक देखो, पहले आपके ऑप्शंस बताता हूं, रिल इरोजन, गली इरोजन, रिवाइन, पाइनेकल एंड आपका सीट इरोजन। देखो, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे इरोजन है क्या। देखो, वाटर इरोजन के टाइप है, आपको इतना तो पता ही है, ठीक है। और इसमें जब बात करते हैं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो किसमें फॉर्म हो रहे। देखो, कंफ्यूजन होती है यहां पर, एक तो रियल इरोजन में और दूसरा आपका पाइनेकल इरोजन में। देखो, रियल इरोजन और पाइनेकल इरोजन दोनों अपने आप में डिफरेंट है। यहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है, अगर जो इरेक्ट फॉर्म में देखेंगे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे आप देख पा रहे हो ये आपका पाइनेकल में होता है, लेकिन दूसरा अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फिंगर, जैसे मान लीजिए ये आपके फिंगर्स है ना, पूरा का पूरा दिख रहा है, जैसे ये गली सी बनी हुई, यहां पर आपके पानी अगर जा रहा है ना, तो इस प्रकार से अगर बना हुआ है तो वो आपका रियल इरोजन में बनता है ना। तो इसमें आंसर हमारा सबसे पहले हम पाइनेकल को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन पाइनेकल नहीं है उस समय हमारा आंसर क्या होगा, रियल इरोजन होगा। और अगर आंसर आ जाता है कि फार्मर्स के लिए डेथ किसको माना जाता है, तो गाइस याद रखना, फार्मर्स के लिए डेथ जो होता है वो सीट इरोजन होता है, लेकिन सीट इरोजन के अंदर ये नहीं है कि सबसे ज्यादा मिट्टी बह के चली जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग इस चीज को एक्सप्लेन इसी प्रकार से करते हैं कि सीट इरोजन क्या होता है, जिसके अंदर मिट्टी अच्छी प्रकार से सारी की सारी बह के चली जाती है, केदारनाथ का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीट इरोजन में क्या होता है कि फार्मर्स की डेथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपकी मिट्टी पता भी नहीं चलती किसान को, और धीरे 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 उड़कर बहके चली जाती रहती है। ठीक है, जिसमें आपकी मिट्टी किसान को ऊपर से क्या होता है, ऊपर से मिट्टी जो 15-20 सेंटीमीटर की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल्स होती है, उस मिट्टी की कुछ कवरिंग जो होती है वो आपकी चली जाती है पानी के साथ, धीरे 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 बहके, पानी के साथ या हवा के साथ, कहीं कैसे भी। ठीक है, वैसे जो सीट इरोजन होता है वो पानी का ही होता है कि पानी के साथ जो बहके आपकी मिट्टी चली जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत, और उसमें फार्मर को पता भी नहीं चलता, उसे आप क्या बोलते हो, सीट इरोजन बोलते हो। ठीक है, तो वो आपका फार्मर्स की क्या होती है, डेथ होती है, बिकॉज उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अगर चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फार्मर की इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपकी सोयल की फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी विल बी डिक्रीज। ओके गाइज, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी पाइनेकल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, रियल इरोजन में आपको शो कर देता हूं, ये आपका रियल इरोजन का कहीं ना कहीं टाइप है। नेक्स्ट आपका है एक्ट ऑफ मेटिंग इन शिप, कि आपका शिप के अंदर एक्ट ऑफ मेटिंग क्या है। तो गाइज, मैंने आपके नोट्स के अंदर अच्छे से टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको सब कुछ दिया गया है। ठीक है, सो गाइज, आपको अच्छे से हर एक कैटल के अंदर, गोट के अंदर, शिप के अंदर, पिग के अंदर, हॉर्स के अंदर, कैमल, गोट, कैट, इन सभी के अंदर आपको जो जो भी टाइप है वो सारा का सारा दिया गया है कि एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं, एडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल को क्या बोलते हैं, एंड एक्ट ऑफ मेटिंग जो होता है वो उनका क्या कहलाता है। सो गाइज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है,
एंड एक्ट ऑफ मेटिंग अगर मैं शिप की बात करता हूं तो इसमें आपका क्या होगा, टपिंग होगा इसका आंसर, और अगर कैटल होता तो सर्विंग होता, गोट होता तो भी सर्विंग होता, और पिग का होता तो कपलिंग होता, एंड हॉर्स का होता तो कवरिंग होता, है ना। सो गाइज ये आप प्लीज इन चीजों को ध्यान करिए, ये बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन एग्जाम के अंदर आपकी आ जाती है, नोट्स के अंदर टेबुलर फॉर्म में, इसीलिए इनके साथ में आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपका एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन पिग, पिग के अंदर जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन होता है उसे आप क्या बोलते हो, तो ये भी आपका टेबुलर फॉर्म के अंदर नोट्स में अच्छे से प्रोवाइड करवाया गया था कि एक्ट ऑफ पार्चुरेशन जो होता है पिग के अंदर उसे क्या बोलते हैं, है ना। सो गाइज आंसर आपके सारे के सारे, चाहे कैटल हो, शीप हो, गोट हो, ठीक है, पिग हो, किसी के अंदर भी होता तो आंसर आपके सारे सामने हैं। कैटल में कार्विंग बोलते हो, शिप में लैम्बिंग बोलते हो, गोट में किडिंग बोलते हो, पिग में फेरोइंग बोलते हो, हॉर्स में आप फोलिंग बोलते हो, कैमल में कार्विंग, एंड गोट में आप वेल्पिंग बोलते हो, कैट में आप क्वीनिंग बोलते हो। सो गाइज आंसर ऑफ पार्चुरेशन इन पिग जो है आपका फेरोइंग हो। नेक्स्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन, सो गाइज ये भी आपका पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में अच्छे से दिया गया था, अगर आपने देखा हो कभी। सो गाइज आपका किसी भी एनिमल के बारे में पूछ लिया जाए तो उसके लिए जो टेबल आपको प्रोवाइड करवाई गई है पीपीटी के अंदर, उसको आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन जो है आपके आने के चांसेस रहते हैं। तो जेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन जो है वो आपके 114 डेज यानी कि 114 डेज होगा, एंड अगर शीप का पूछ लिया जाता तो 144 टू 155 डेज होता, एंड इसी प्रकार से कैटल, बफेलो, गोट आपका दिया गया है। एंड नेक्स्ट आपका है SNF ऑफ डबल टोन्ड मिल्क, यानी कि जो आपका सैचुरेटेड नोट फैट होता है, ठीक है, वो आपका कितना होता है, तो ये भी आपको नोट्स के अंदर अच्छे से प्रोवाइड करवाया गया था पीपीटी के अंदर कि डबल टोन्ड मिल्क, स्टेरिलाइज्ड मिल्क, ठीक है, फर्मेंटेड मिल्क, इन सभी को मैंने डिस्क्राइब किया था अच्छे से, इनके अंदर फैट कंटेंट कितना होता है, एसएनएफ कितना होता है, सॉलिड नोट फैट, ठीक है। सो गाइज आपका इसको अच्छे से पढ़ लेना कि क्या होता है, कितना होता है, 1.5% इसके अंदर फैट होगा और 9% इसके अंदर सॉलिड नोट फैट होगा, है ना, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 9%, है ना। नेक्स्ट आपका है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इज इन विच स्टेट, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो आपके किस स्टेट के अंदर है। सो गाइस आपको पता होना चाहिए, ये आपकी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 2019 की रिपोर्ट नहीं आई है, और उसके अकॉर्डिंग आपका लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अगर मैं बात करूं तो वो आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में, है ना। तो आपको पूरी की पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको दे देता हूं। अगर मैं टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करता हूं टोटल फॉरेस्ट कवर की, तो वो आपका सबसे ज्यादा इंक्रीज जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, कर्नाटका के अंदर सेकंड नंबर पे इंक्रीज हुआ है, और केरला के अंदर थर्ड नंबर पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करूं कि किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात करता हूं तो उस समय आपका आंसर लक्षद्वीप होगा फर्स्ट में, सेकंड आपका मिजोरम होगा, और थर्ड आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड होगा। सो गाइज ये आप अच्छे से देख लेना कि कहां कितना एरिया किस हिसाब से यूटी में पूछा जा रहा है, स्टेट में पूछा जा रहा है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम स्टेट को नहीं देखते, यूटी को नहीं देखते। प्लीज उसके अंदर कंसल्ट किया करो कि आपका एग्जाम में किस हिसाब से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका है केमिकल्स यूज टू किल वीट, देखो आप सभी जानते हैं कि वीड्स को किल करने के लिए केमिकल्स को आप क्या बोलते हो, तो ये मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है कि इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड्स, सकेरीसाइड्स, मोलस्किसाइड्स क्या होते हैं, ना, इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट को किल करते हैं, हर्बिसाइड्स जो हम हर्ब्स को या वीड्स को किल करने के लिए यूज करते हैं, फंजीसाइड जो फंगस को किल करने के लिए, ठीक है, तो ये आप पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, हर्बिसाइड। नेक्स्ट आपका है ग्रेन नेने इज ए वेराइटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, सो गाइज आप सभी जानते हैं कि ग्रेन नेने जो है वो आपकी बनाना की जो है वेराइटी है, ठीक है, तो सो गाइज इसके अंदर अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेराइटी, जो भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जिनके कोई स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन वेराइटीज को आप याद कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि टिल एग्जाम आपको जो जो वेराइटीज अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है उन सभी वेराइटीज के बारे में आपको पूरा का पूरा दे सकूं, कि जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज है किसी भी फ्रूट क्रॉप या फिर फील्ड क्रॉप के अंदर, ठीक है। वैसे मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर लगातार जो आपके डेली टेस्ट सीरीज हो रही है उनमें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कोशिश करूंगा कि आपको अलग से प्रोवाइड करवा दिए। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
premium for crib crop including cereals, oil seed etc is. So guys, आपसे पूछा गया है कि आपकी oil seed crop के लिए, cereals के लिए जो crib crop होती है उनका premium क्या है. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके अंदर में प्रीमियम जो लिया जाता है खरीफ के लिए, रबी के लिए और आपका कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए अलग अलग लिया जाता है ना. तो आपका खरीफ क्रॉप के लिए 2% होता है, रबी के लिए 1.5% होता है एंड अगर मैं बात करूं आपका किसकी कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए तो उसमें आपका 5% होता है. सो गाइज आंसर फॉर खरीफ क्रॉप विल बी 2% एंड मोस्टली अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका पिछली बार भी आईबीपीएस में पूछा गया था एएफओ के अंदर कि ऑयल सीड क्रॉप के लिए आपका कितना परसेंट प्रीमियम यूज किया जाता है. सो गाइस मैक्सिमम ऑयल सीड क्रॉप्स आर अंडर खरीफ क्रॉप एंड मोर नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ पल्सेस क्रॉप्स आर अंडर रबी क्रॉप. व्हेन क्वेश्चन विल बी आस्क दैट व्हाट विल बी द प्रीमियम फॉर ऑयल सीड क्रॉप देन आंसर विल बी 2% and if question will be asked under the pulses crop then answer will be 1.5%. so guys isme confusion bahut rehti hai 1.5% pulses ke liye 2% aapki oil seed crop ke liye ye aapko pata hona chahiye. so guys iska answer aapka kya hoga 2%. next aapka kya hai panama wilt disease is belongs to which crop. सो गाइज जितने भी डिजीज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं अच्छे से चाहे वो फ्रूट क्रॉप में हो या आपकी फील्ड क्रॉप में हो. फील्ड क्रॉप के तो मोस्ट कॉमनली मैंने आपको अच्छे से करवा ही दिए थे ठीक है. सो गाइज आप अच्छे से पढ़ लेना इनको. ये जो पनामा विल्ट होता है वो आपका बनाना क्रॉप के अंदर होता है लेकिन जितने भी मैंगो के अंदर है चाहे एंथ्रोकनोज है या फिर आपका सिट्रस के अंदर कोई डिजीज है सिट्रस कैंकर जैसी है ठीक है. सो गाइज इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. जो भी इंपॉर्टेंट डिजीज है जो इंपॉर्टेंट क्रॉप में आते हैं एंड बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट उनकी हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस है तो उन डिजीज को प्लीज एक बार देख लेना, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म को देख लेना जो कि एग्जाम्स के अंदर बार बार आपसे पूछे जाते हैं है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड एज. सो गाइस ये तो आप सभी जानते हैं अच्छे से कि वेजिटेबल्स की स्टडीज को आप क्या बोलते हैं ना. तो वेजिटेबल की स्टडी को आप क्या बोलते हो आपको अच्छे से पता है. ओलेरिकल्चर जो होता है वो आपके वेजिटेबल ऑफ स्टडी होता है. एपिकल्चर हनी बी प्रोडक्शन के लिए, पोमोलॉजी आपका फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, फ्लोरिकल्चर फ्लावर प्रोडक्शन के लिए, विटीकल्चर आपका ग्रेप्स प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है ना. और एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में आपकी एलाइड एक्टिविटीज जो होती है या एग्रीकल्चर पूरा का पूरा कृषि का क्षेत्र जितना भी है सारा का सारा एग्रीकल्चर में इंक्लूड रहता है ना. तो देखो ये टर्मिनोलॉजी हम कई बार सोचते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इन टर्मिनोलॉजी से बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं ना. नेक्स्ट आपका जो है फर्टिलाइजर्स दैट आर इन लिक्विड फॉर्म. फर्टिलाइजर्स विच आर इन लिक्विड फॉर्म. सो गाइस ये पूरा का पूरा आपको टेबल जो है मैंने अच्छे से प्रोवाइड करवाया हुआ है कि कौन से फर्टिलाइजर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं है ना. और आपके जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. तो क्लासिफिकेशन जो करवाया था उसके साथ साथ में आपको फिजिकल फॉर्म करवाई थी. तो दो फॉर्म होती है, एक आपके सॉलिड फॉर्म एक आपकी लिक्विड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म को आप सॉलिड फर्टिलाइजर्स बोलते हो और लिक्विड फॉर्म के अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर्स बोलते हो. ये एज इट इज आपका दिया गया है, कहीं भी आप देखोगे तो सॉलिड फॉर्म के अंदर सॉलिड फर्टिलाइजर्स एंड आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर. ये जो है आपकी फिजिकल फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है फर्टिलाइजर की. नेक्स्ट आपका जो था फर्टिलाइजर अप्लाइड इन ग्रेनुलेटेड फॉर्म आर नोन एज. जो आपके ग्रेनुलेटेड फॉर्म के अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म के अंदर जो आपके फर्टिलाइजर अप्लाई करवाए जाते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो. ऑब्वियस सी बात है पाउडर फॉर्म में पाउडर होगा, क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टल होंगे, पिल्स के अंदर एंड यू जो आपके ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं उसे आप ग्रेनुलेटेड जो ग्रेनुलेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं उन्हें आप ग्रेन्यूल्स ही बोलते हो. सो गाइज ये भी आपका दिया हुआ है. नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं सिम्टम्स ऑफ ब्रुसेलोसिस. तो ये आपका जो कैटल के अंदर जो डिजीज होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या होंगे है ना. एंड अगर मैं बात करूं तो उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जहां से आपके एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं है ना. नेक्स्ट आपका है कैल्शियम डेफिशिएंसी इन एनिमल हस्बेंड्री. कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या होगा है ना. सो गाइस आपको जितने भी मैंने पीपीटी के अंदर प्रोवाइड करवाया हुआ था नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवाया था उसमें आपको अच्छे से दिया गया है कि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन जो हैं ठीक है उनकी वजह से अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी के
क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या उनके सिम्टम्स हो सकते हैं, है ना। सो गाइज, एक आपका जो उसके अंदर ऑप्शन जो था वीक एग सेल, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो एग सेल होता है, एग के जो कवरिंग होती है वो अच्छे से नहीं बन पाती, है ना, क्योंकि वो पूरी की पूरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है ना। नेक्स्ट आपका है मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज फॉर मेज। सो गाइज, इसमें आपका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि इसका आंसर क्या होगा, 85 होगा, 90 होगा, 70% होगा, 75% होगा, 65% होगा। सो गाइज, जब भी ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इनको हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, है ना। तो इनको जब भी देखेंगे तो हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर हमारा जो है सीडनेट पोर्टल से मैंने लिया था इसको, ठीक है, कहीं और से, वही बात है ना, ऑथेंटिक डाटा ही हमें लेना चाहिए। तो इसके अंदर 90% आपका दिया गया है। अगर आप कंपोजिट वैरायटी की बात करते हो, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी की बात करते हो या हाइब्रिड की बात करते हो, तो दोनों ही केस के अंदर जो आपका मेज का लिया गया है, मेज के अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज 90% लिया गया है। किसके लिए? सर्टिफाइड सीड के लिए, है ना, क्योंकि क्लास जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जो सीड यूज करते हो वो सर्टिफाइड सीड ही यूज करते हो और हमेशा एग्जाम के अंदर सर्टिफाइड सीड के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। लेकिन कुछ जगह आपका कई बार जो दिया जाता है वो फाउंडेशन सीड वाला मान लिया जाता है, लेकिन कभी भी एग्जाम के अंदर सर्टिफाइड सीड के अकॉर्डिंग ही होगा, फाउंडेशन सीड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, है ना। सो गाइज, इसका आंसर जो आपका क्या होगा, 90%। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो सीड रेट ऑफ ग्राउंडनट इन स्प्रेडिंग टाइम, कि ग्राउंडनट के अंदर जो आपका सीड रेट होता है वो स्प्रेडिंग टाइप के अकॉर्डिंग क्या होगा। सो गाइज, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि दो प्रकार के आपके ग्राउंडनट होते हैं, एक आपका स्प्रेडिंग टाइप होता है, एक बंच टाइप होता है। दोनों के अंदर जो आपका सीड रेट है वो आपका 80 से 100 किलोग्राम स्प्रेडिंग के अंदर, और बंच के अंदर आपका 100 से 125 किलोग्राम। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपका 80 टू 100 के बीच में कहीं ना कहीं आपका आंसर जो दिया गया है वो 95 टू 100 केजी पर हेक्टेयर दिया गया था। सो गाइज, इसका आंसर क्या होगा हमारा, 95 टू 100 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आपका है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर चिली, कि आइसोलेशन डिस्टेंस यानी कि जब आपकी चिलीज का सीड प्रोडक्शन किया जाता है उस समय आइसोलेशन डिस्टेंस मींस कि दो डिफरेंट फील्ड के बीच में जो जहां पर चिली ग्रो करवाई गई है उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना। तो वो आपका डिपेंड करेगा कि किसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है 400 हमारा किसका होगा, फाउंडेशन या हाइब्रिड सीड के लिए होगा, और 200 जो होगा वो आपका सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए होगा, है ना। तो यहां पर अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है तो सर्टिफाइड के लिए ही पूछा जाता है, और उसमें हमारा आंसर क्या होगा, 200 मीटर, है ना। नेक्स्ट आपका है एलिमेंट फिक्स्ड इन सोइल विद द हेल्प ऑफ राइजोबिया, कि राइजोबियम की वजह से जो आपका एलिमेंट फिक्स किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी जानते हो कि राइजोबियम जो है वो आपकी क्रॉप के अंदर यूज जो किया जाता है, सो या फिर आपका यूज जो होता है वो फिक्स करता है, हेल्प करता है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इसमें कोई राय नहीं है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, ये तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, है ना, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं आपको, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखो ऑप्शन थे जिंक, पोटास, निकेल, कॉपर, मोलिब्डेनम, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पोटास जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 9 हमारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, इनके ही हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और बाकी जो 8 आपके बच जाते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना। सो गाइस, इसका आंसर क्या होगा आपका, पोटास। नेक्स्ट आपका है द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज येलोइंग ऑफ ओल्डर एंड लोअर लीव्स विद वेन्स रिमेनिंग ग्रीन, कि आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ओल्डर लीव्स जो होते हैं उनके अंदर जो आपकी वेन्स जो होती हैं वो ग्रीन रह जाती हैं, बाकी पत्ता जो है वो येलो हो जाता है, ऐसा किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो गाइज, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करता हूँ ओल्डर लीफ में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओल्डर लीफ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज की वजह से आपकी जो है मोलिब्डेनम की वजह से जो है डेफिशिएंसी होती है ना। किस किस की वजह से, सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एंड मोलिब्डेनम एंड आपका मैग्नीशियम, है ना। देखो इसमें विद डेड स्पॉट जो होते हैं वो आपका पोटास होगा और दूसरा आपका कौन सा होगा, पोटास के साथ मोलिब्डेनम, इन दोनों के अंदर डेड स्पॉट क्रिएट होते हैं। तो यहां पर डेड स्पॉट के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन यहां पर किसके बारे में पूछा गया था, यहां पर पूछा गया था कि आपका वेन्स जो है वो ग्रीन रह जाएंगी,
लेकिन येलो हो जाएगा। तो आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों में येलो होता है, लेकिन नाइट्रोजन में पूरा का पूरा वेन्स भी येलो हो जाती हैं, लेकिन मैग्नीशियम में क्या होता है, वेन्स ग्रीन रह जाती हैं, यानी कि इंटरवेनल ओल्ड लीफ में क्लोरोसिस होती है। सो गाइज इसका आंसर आपका क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा एक टेबल दिया गया है, चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आप देख सकते हैं, इसके अंदर ओल्डर लीफ में, न्यू लीफ में, या ओल्ड या न्यू लीफ में, दोनों में कहां और कैसे आपका जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लीज इनको पढ़ लेना, और पूरा का पूरा डिस्क्राइब यहां पर कर दिया गया है ना। और इसी के बेस पे एक आपका क्वेश्चन फिर है, व्हाट इज द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन इन प्लांट, कि आयरन की वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होंगे। सो गाइस, तो इसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, इसके अंदर भी आपकी पत्तियां जो नई पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जो है ज्यादातर इसके डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या होता है आपका इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है, और लीफ जो होता है वो लाइट इन कलर हो जाता है ना। नेक्स्ट आपका है द फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो इन विच फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड लुक नॉर्मल बट इनसाइड ए पैच ऑफ फ्लैश बिकम स्पॉन्जेस, मींस दिस इज ए फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो इन विच आउटर लुक विल बी नॉर्मल बट इन साइड ऑफ द फ्लैश विल बी बिकम ए स्पॉन्जी, मीन्स की स्पंज लाइक बन जाता है आपका अंदर से, और बाहर से देखने से हमें मैंगो जो है वो पूरा का पूरा सही नजर आता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंगो के अंदर कि जो है अंदर से पूरा का पूरा गल चुका है, कहीं ना कहीं ये एक पाउच मतलब स्पंज लाइक बन चुका है ना। तो ये आपका आपको पता है कि स्पॉन्जी टिश्यू जो एक डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से इसके अंदर होता है। सो गाइस इनके बारे में पता होना चाहिए कि मैंगो मेलफॉर्मेशन क्या है, झुमका क्या है, फ्रूट ड्रॉप क्या है, बाइनियल बियरिंग क्या है मैंगो के अंदर, इनके बारे में अगर पता होगा तो आंसर हमारा इजीली आ जाएगा, अगर नहीं पता होगा तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट आपका है द इंसेक्ट दैट एंटर इन द शूट एंड क्रिएट्स टनल इनसाइड द स्टेम एंड डैमेज द स्टेम रिजल्टिंग इन ड्राइंग ऑफ शूट्स, मींस कि देयर इज ए इंसेक्ट व्हिच एंटर इन द स्टेम एंड क्रिएट्स ए टनल, मींस कि इट कंप्लीटली डैमेज स्टेम ऑफ शूट। सो गाइज मैंगो स्टेम बोरर, फ्रूट फ्लाई, मैंगो मिलीबग, स्केल इंसेक्ट, शूट गार्साइला, इनमें से आपका आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि मैंगो स्टेम बोरर जो होता है, जिसकी इमेज यहां पर आपको शो की गई है, ये आपका जो है शूट को अंदर से तने को अंदर से खोखला कर देता है, और उसका जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट होता है कि पूरा का पूरा जो टहनियां होती है वो सूख जाती है, ठीक है। सो गाइस इसका आंसर क्या होगा, मैंगो स्टेम बोरर। नेक्स्ट, पाउडरी मिल्ड्यू इज ए मेजर डिजीज ऑफ विच हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो इनमें से किस क्रॉप का एक इंपॉर्टेंट डिजीज है ना। सो गाइस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पाउडरी मिल्ड्यू होता क्या है, डाउनी मिल्ड्यू किस में होता है, ठीक है, तभी आपका आंसर जो है इसके अंदर सही कर पाओगे। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए मैंगो के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट करता है ना। सो गाइस इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे मैंगो के लीफ के ऊपर है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है द प्रोसेस ऑफ रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टॉक प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस मेनी प्रोजनी प्लांट यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड एज। सो गाइस आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं रैपिडली मींस कि फास्ट ग्रोइंग अगर मैं बात करता हूं क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन सा मेथड, या प्लांट को ज्यादा जल्दी ग्रो करवाने के लिए कौन से मेथड को आप यूज करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर आपका आंसर क्या होगा, माइक्रो प्रोपेगेशन, बिकॉज माइक्रो प्रोपेगेशन इज ए मेथड बाई विच यू कैन ग्रो मोर नंबर ऑफ प्लांट इन रैपिडली मैनर, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फास्ट आप जल्दी से इसके अंदर बहुत सारे प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं है ना। सो गाइज इसका आंसर क्या होगा आपका, माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एलिमेंट विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, कौन सा एलिमेंट जो है वो आपका अमाइनो एसिड न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन तीनों का आपका जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। सो गाइज आपको यहां पर पता होना चाहिए नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे यहां पर सबसे ज्यादा एसेंशियल की बात करेंगे तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे आपके नाइट्रोजन को, उसके बाद आपका फास्फोरस, फिर आपका सल्फर जो है कहीं ना कहीं आता है। अब आप बोलो कि सर सल्फर भी तो बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड का होता है, ऑब्वियस सी बात है एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन जब भी हम नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन हमारा पहला ऑप्शन होगा, पहला प्रेफरेंस होगा, उसके बाद हमारा फास्फोरस एंड थर्ड नंबर पे आपका जो है किसके अंदर क्या आएगा, सल्फर आएगा।
बिकॉज न्यूक्लिक एसिड के अंदर बात करते हैं तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ना। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जब आपका न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है ना, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेटिक बॉन्ड होता है ना, तो फॉस्फेटिक बॉन्ड उसके अंदर आ जाता है। और न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका नाइट्रोजन बेस होता है और उसके अंदर आपकी शुगर होती है ना। तो नाइट्रोजन बेस ऑब्वियस सी बात है हमारा एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन एंड जो पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल, है ना। तो आपको ज्यादा जाने की, डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पता तो होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब पता होगा तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो पाएगा, है ना। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोइल्स विच आर लाइट हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड हैव ए हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर। सो गाइस, इसका जो आंसर होगा वो हमें करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है। विच आर लाइट एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, ऑब्वियस सी बात है सैंडी सोयल और सैंडी लोम दोनों के अंदर आप बोलोगे तो सैंड कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन सैंड कंटेंट आपका सैंडी सोयल में ज्यादा होता है सैंडी लोम की बजाय, है ना। बट इसके अंदर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बोल दिया गया था, तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो उस समय हमारा सैंडी लोम की तरफ हमें जाना पड़ेगा और इसका आंसर हमारा क्या होगा, सैंडी लोम, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं कि इन विच सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड नियर रूट जोन हैव हाई वाटर सेविंग कैपेसिटी, प्रॉपर यूज फर्टिलाइजर एंड लो पावर यूजेस। सो गाइस, इसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फिर जाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, चेक बेसिन, सरफेस इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। सो गाइस, इफ I will talk about drip irrigation, sprinkler irrigation, then you will know that in दोनों के अंदर ही water saving अच्छी खासी होती है, लेकिन check basin, surface irrigation या flood irrigation इनके अंदर आपकी इतनी ज्यादा water saving capacity नहीं होती। तुम्हारा drip and sprinkler दोनों में से होगा, and obvious सी बात है अगर आपके proper use of fertilizer की बात करें और root zone की बात करें, near root zone, उसमें हमारा answer क्या होगा, drip irrigation होगा, है ना, कि नियर रूट जोन तो उसी में गिरता है ना। सो गाइज, आपका आंसर इसमें क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन। तो गाइज, इन क्वेश्चंस को कभी भी अगर आप करते हो तो उस समय अच्छे से ध्यान रखो कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, मार्जिनल फार्मर आर फार्मर विच डू नॉट हैव लैंड बियॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है गाइज, आपको पहले पूरी क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर, ठीक है, मार्जिनल फार्मर क्या होता है, स्मॉल फार्मर क्या होता है, मीडियम फार्मर क्या होता है एंड लार्ज फार्मर क्या होता है। अप टू 1 हेक्टेयर देर आर मार्जिनल फार्मर, 1 to 2 हेक्टेयर स्मॉल फार्मर, 2 to 4 हेक्टेयर मीडियम फार्मर एंड मोर देन 4 और यू कैन से अबव 4 हेक्टेयर देर आर ए लार्ज फार्मर। सो गाइज, मार्जिनल फार्मर आंसर विल बी लेस देन और अप टू 1 हेक्टेयर, बियॉन्ड 1 हेक्टेयर। नेक्स्ट, विच स्कीम इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट, मींस कि ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए किस स्कीम को लॉन्च किया गया था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हमारा क्या होगा, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, जो कि नवार्ड के अंडर में आता है कहीं ना कहीं, और आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सो गाइज, नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए या फिर जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनको अच्छे से चेकअप करने के लिए, तो उनके रिगार्डिंग जो आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है वो आपकी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस के अंडर ही करवाई जाती है। आपको पता होगा आजकल आपके ACABC सेंटर्स भी बहुत सारे ओपन हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप अलोंग विद फ्रूट ट्रीज इज कॉल्ड, कि आपकी फ्रूट ट्रीज के साथ क्रॉप को ग्रो करवाना जो है उसे आप क्या बोलते हो, है ना। एग्री हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, विटिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, एग्री होर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, द सिस्टम इन विच शर्ब्स हेजेज ग्रीन मैन्योर आर ग्रोन इन टू इंक्रीज फर्टिलिटी एंड पास्चर पर्पज इज कॉल्ड। अब देखो, यहाँ पर कहीं कहीं शर्ब्स की बात हो रही है, हेजेस की बात हो रही है, कहीं कहीं ग्रीन मैन्योर, देखो अब क्रॉप की बात नहीं की गई है। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ट्री भी हो सकते हैं और क्रॉप भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शर्ब्स और हेजेस की बात आई है तो ये ट्री की ही बात कर रहा है जो कि ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज किए जाते हैं फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और उसके साथ में हम पास्चर को डेवलप करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमारा इसके अंदर जो हेडिंग दी हुई है उनको हम पढ़ते हैं, सिल्वी पास्चर, एग्री पास्चर, एग्रीकल्चर,
सिल्वी कल्चर, सेरी कल्चर, तो कहीं ना कहीं पास्चर जो है वो हमारा क्या होता है, फोडर जो आपके ग्रासेस की बात की जाती है जिनको हम यूज करते हैं एज एनिमल फीड, है ना, उसकी बात की जा रही है। तो देखो इसमें हम जब बात करेंगे तो सिल्वी पास्चर जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर बैठ रहा है ना, कि जिसके अंदर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप के साथ साथ कहीं ना कहीं पास्चर को डेवलप करवाते हैं, है ना। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सिल्वी पास्चर, बिकॉज एग्री पास्चर में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर के साथ कहीं ना कहीं फोडर आ जाएगा, और एग्रीकल्चर आप अच्छे से जानते हो, सिल्वी कल्चर केवल आपकी फॉरेस्ट्रीज की बात आएगी, और सेरी कल्चर के अंदर आपकी कहीं ना कहीं सिल्क की बात आएगी, है ना। तो इसमें हमारा सिल्वी पास्चर जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा। सो गाइज, इनको डेफिनेशंस को थोड़ा सा पढ़ लिया करो कि क्या इसमें दिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, द स्टेलियन विच आर यूज फॉर मेटिंग इज कॉल्ड एज, कि स्टेलियन जो होता है, जो हॉर्स जो होता है उसे आप यूज करते हो एज ए मेटिंग पर्पज, उसे आप क्या बोलते हो, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, स्टड होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड नेक्स्ट आपका जो था, क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्रॉप रोटेशन होता क्या है कि आपका डिफरेंट क्रॉप का, देखिए जैसे क्रॉप रोटेशन जो है कि एक क्रॉप के बाद आप दूसरी क्रॉप को, कौन सी सक्सेसिव क्रॉप को लगाने वाले हो, तो वो हमारा क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है, कि एक को काटने के बाद दूसरी आप लगाओगे, दूसरी को काटने बाद तीसरी, ठीक है, तो वो क्रॉप रोटेशन, या फिर आप स्पेसिफिक एक सेम फील्ड के अंदर सेम टाइम के अंदर कौन सी क्रॉप को अगली बार चेंज करने वाले हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट आपका है, व्हेन सोइल प्रैक्टिस आर हीटेड एट, पार्टिकल्स आर हीटेड एट 105 डिग्री सेल्सियस इन 100 डिग्री 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू रिमूव मॉइस्चर इज कॉल्ड एज। सो गाइस, इसका आंसर आपका क्या होगा कि अगर आप 105 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आप रिमूव करते हो, मॉइस्चर को रिमूव करते हो, तो आपका जो है इसके अंदर क्या रहेगा, तो एक कंडीशन बन जाती है, वो आपकी कंडीशन होती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की कंडीशन जो है वो आपकी बन जाती है उसमें, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ग्राफ्टिंग के रिगार्डिंग पूछा गया था, कि विनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, हार्डवुड ग्राफ्टिंग। सो गाइस, ये आपका हॉर्टिकल्चर के टीचर के द्वारा पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं इसमें प्रेफरेंस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो कहीं गलत बताना उससे बेटर है कि आपको उस चीज के बारे में ना बताना। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, पूरा का पूरा मैटर आपको पीपीटी पीडीएफ के अंदर दिया गया है, या फिर आपका जो हॉर्टिकल्चर का टीचर है उसने आपको क्लास के अंदर एक्सप्लेन ऐसे से किया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फार्मर ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो गाइस, आपको पता होना चाहिए केवीके, ठीक है, जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि केवीके जो रिसेंटली अगर मैं आईसीआर की वेबसाइट से चेक करूं तो उसमें लिखा हुआ है अभी तक टोटल नंबर ऑफ केवीके जो है वो आपके 706 हैं। और अगर मैं बात करता हूं केवीके के फंक्शंस की, तो वो आपके फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, डेमोस्ट्रेशन देते हैं, या नई टेक्नोलॉजी आते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं, है ना, और उन्हें नई नई ट्रेनिंग या नई नई प्रैक्टिस जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका जो है, ए ग्रुप ऑफ फार्मर, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर लीगल फॉर्म विच प्रोवाइड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड बेनिफिट अमंग देमसेल्व्स इज। सो गाइज, यहाँ पर आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं या फार्मर जो है कई ग्रुप बना लेते हैं, उनके अंदर इसका आंसर जो है पूछा गया है, तो इसको आपको पता होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप या आपका FPO, इनमें से क्या होता है, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जो है इसका आंसर होगा। इसके अंदर फार्मर्स जो होते हैं वो एक लीगल फॉर्म के अंदर आपका जो है शेयर होल्डर जो है कहीं ना कहीं आपस में बनाते हैं और उसके द्वारा एक ग्रुप बनाते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, द फार्मर रिलायंस ऑन द पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड डेप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप आर लेंडिंग टू देयर सुसाइड, व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव टू दिस। यानी कि फार्मर जो हैं वो ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं पेस्टिसाइड पे, हर्बिसाइड पे, और कहीं ना कहीं कर्जे में आ जाते हैं, डेट उनके ऊपर आ जाता है क्रॉप को प्रोड्यूस करते टाइम, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, तो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। सो गाइज, यहाँ पर आपके ऑप्शन जो थे कुछ और भी दिए गए थे, लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसे आप जानते होंगे, गवर्नमेंट रिसेंटली परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम के अंडर में कहीं ना कहीं इस चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रही है ना। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, जिसके अंदर आपका जीरो बजट को यूज करते हुए आप मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हो, है ना, तो जो कि सुभाष पालेकर जी के द्वारा दिया गया था,
इसे फर्स्ट जो है किस स्टेट के अंदर जो बोलते हैं कहीं से ओरिजिनेट हुआ था, तो कर्नाटका से हुआ था, लेकिन अडॉप्ट किस स्टेट ने किया था ऑफिशियली, तो वो आंध्र प्रदेश ने किया था, ठीक है। और अगर इसके फादर की बात करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुभाष पालेकर जी बोलते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम बदल कर दिया गया है, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, है ना। सो गाइस, इसका आंसर आपका क्या होगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें जीरो बजट लगता है, पैसा जीरो खर्च होता है, और किसान कहीं ना कहीं अगर इसको अडॉप्ट करेगा तो टाइम धीरे धीरे लगेगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम को अडॉप्ट करते हुए अगर इसको अच्छे से अडॉप्ट करता है तो किसान की इनपुट जीरो होती है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इसमें जनरेट होता है। नेक्स्ट आपका जो था एक एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट जो है वो 1955 में आया था, और इसमें ब्लैक मार्केटिंग जो होती है एसेंशियल कॉमोडिटी की, जो आपकी चाहे जितनी भी फूड क्रॉप है, चाहे वो शुगर केन है आपका, कुछ भी एनीथिंग, कॉटन है, जूट है, सभी क्रॉप्स ऑलमोस्ट जो है, ठीक है, उन कॉमोडिटीज की ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए उसके लिए जो है ये रूल बनाए गए थे, प्रिवेंशन रूल बनाए गए थे, एक्ट बनाया गया था, और ये हमारा क्या था, एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए खरीफ सीजन क्रॉप। सो गाइज, इसका आपको अच्छे से पता है कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है हमें पता नहीं होता, कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। सो गाइज, इसकी पूरी की पूरी टेबल आपको दे दी गई है कि खरीफ क्रॉप जो है, रबी क्रॉप कौन सी है ना, तो प्लीज इनके अंदर ध्यान करना, खासकर पल्सेस और ऑयलसीड क्रॉप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्रॉप जो है वो जो है खरीफ में आएगी और कौन सी रबी में आएगी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, उस समय आंसर नहीं कर पाते, इसलिए इसमें दिक्कत आती है, बाकी इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट आपका था, विच ब्रीड ऑफ काओ आर यूज फॉर मिल्स पर्पज बट बुलॉक्स आर पुअर ड्रोट पर्पज, बुलॉक्स आर यूज फॉर ड्रोट पर्पज, मीन्स कि काओ जो है वो मिल्क पर्पज के लिए यूज किया जाती है और बुलॉक जो होते हैं वो ड्रोट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। तो गाइज, इसके अंदर आपको ऑब्वियस सी बात है, जो ड्यूल पर्पज ब्रीड होगी उसका कहीं ना कहीं आंसर जो होगा वो हमारा होगा, ठीक है, क्योंकि एक जो काउ है वो यूज की जा रही है मिल्क पर्पज के लिए, और कहीं ना कहीं बुलोक जो है वो ड्रोट पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमारा इसका आंसर जो होगा वो आपका कृष्णा वैली होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी आप इंडिजिनस डेयरी कैटल ब्रीड की बात करोगे तो उसमें गिर, रेड सिंधी या साहिवाल आ जाएगा, और अगर ड्रोट पर्पस ब्रीड की बात करोगे तो उसमें हालिकर, अमृत महल, खिलारी या फिर कांगेम का नाम आ जाता है, और अगर मैं बात करता हूँ ड्यूल पर्पस ब्रीड की तो उसमें आपका थार पार्कर आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, कंक्रेज आ जाएगा, ओंगोले आ जाएगा, कृष्णा वैली आ जाएगा, या फिर द्योनी आ जाएगा, है ना। और अगर बेस्ट ड्यूल पर्पस ब्रीड की बात आ जाए तो उसमें आपका हरियाणा आंसर होगा, हरियाणा ब्रीड जो होती है काऊ की वो बेस्ट ड्यूल पर्पस ब्रीड होती है, और अगर मैं बात करता हूँ एक्सोटिक ब्रीड की तो उसमें आपका जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, रेड डेन एंड गर्नसी आ जाएगा, और अगर मैं कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड की बात करता हूं तो उसमें आपका क्रिन स्विस या फिर करंट फ्राइज जो है, या जो आपके हैं, इसके आंसर हो सकते हैं, है ना। सो गाइज, प्लीज इनको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना कि आपका क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है ना। नेक्स्ट आपका जो था, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, कि जेनेटिक मेकअप जो होता है वो आपका ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं ब्रीडिंग से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था, अगर किसी को पता है तो ऑब्वियस सी बात है वो जानता है कि जीनोटाइप जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मेकअप बोलते हैं ना। नेक्स्ट आपका जो था, हेन हाउसिंग के ऊपर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आपका पूरा का पूरा कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि ब्रॉयलर्स को रेयरिंग करने के लिए या फिर आप जो है कैसी कंडीशंस को यूज करते हो, है ना, तो पूरा का पूरा जो है हेन के ऊपर कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उनको जब प्रेगनेंसी टाइम, तो है तो एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं पता था इसलिए मैंने डाटा आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो प्लीज इसे देख लेना, समझ लेना। एंड आपका जो क्वेश्चन जो था, सबसे लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग इज ए स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर जो है वो कौन सा है, तो मैंने आपको पूरी पूरी लिस्ट दे दी है, मुझे नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछा गया था, स्ट्रेट फर्टिलाइजर का ऑप्शन क्या था, आंसर क्या था, इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रेट फर्टिलाइजर जो है उनके यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, हाँ ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका उठ के आएगा कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड मिक्स फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या होता है ना। सो गाइज, मैंने आपको क्लास में अच्छे से बताया था,
फिर आपको बता देता हूं कि जिसके अंदर एक सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास में से है ना कोई भी एक सिंगल न्यूट्रिएंट होता है वो केवल एक ही होगा उस समय वो आपका होता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर। और अगर उसके अंदर दो या दो से तीन आपके प्राइमरी जो है फर्टिलाइजर आ जाते हैं ठीक है मींस कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास नाइट्रोजन फास्फोरस हो जाए नाइट्रोजन पोटास हो जाए उस समय आपका आंसर क्या होगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। और अगर आप दो फर्टिलाइजर को कहीं ना कहीं दो स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिक्स कर देते हो तो उसे आप मिक्स्ड फर्टिलाइजर बोलते हो। सो गाइज ये आपके फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन थी और ये हमारा पूरा का पूरा एग्जाम का एनालिसिस था। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड अगर आप नई वीडियोस कुछ चाहते हैं कि किसके रिगार्डिंग बनाई जाए तो प्लीज उसका कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता सकते हैं एंड अगर कहीं कहीं कोई गलती हो गई हो प्लीज उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है इतना कुछ बताया गया हो उसमें कहीं एक आधी चीज डाउट में रह जाती होती है ठीक है। सो गाइज प्लीज पढ़ते रहिए आपका एग्जाम बहुत नजदीक है एंड कहीं ना कहीं बात करें तो प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मेंस के लिए भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए क्योंकि बिकॉज अगर 15 दिन का गैप डाल दिया गया तो कहीं ना कहीं बाद में डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज को कवर अप करवाना है ना। तो रोज एक या डेढ़ घंटा आप प्लीज इस चीज को देते रहिए मेंस को भी और उसके साथ प्री की तैयारी करते रहिए और जिनका अगर प्रीलिम्स अच्छा है तो आप मेंस के अंदर फोकस कीजिए। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।